प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 17, प्लेन सेक्शंस ऑफ पैराबोलॉइड्स वीडियो नंबर 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz, ये पैराबोलॉइड है और Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, ये हमने प्लेन लिया। इसमें L, M, N जरूरी नहीं है कि DC इज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन हो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। Ux प्लस By प्लस WZ इक्वल टू K लेते तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि इसी पर पूरा हमने जो है सेट कर दिया है तो अब चेंज नहीं करेंगे। देखो सेंट्रल कोनिकॉइड में जो एक कंसेप्ट आप लिए थे, सेंट्रल कोनिकॉइड का सेंट्रल प्लेन सेक्शन पहले हम लोग निकाले थे, वही स्टैंडर्ड रिजल्ट स्टैंडर्ड एल्गोरिथम था। जब नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन निकालना हुआ तो हम क्या किए, सेंटर निकाल के ओरिजिन को सेंटर पर शिफ्ट कर दिए, फिर सब कुछ प्रीवियस में कन्वर्ट हो गया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे। काम थोड़ा भारी है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन, बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन ऑफ 1/2, देन उस प्लेन का इक्वेशन जिससे इसको काटने पर वो सेक्शन मिले जिसका सेंटर अल्फा बीटा गामा हो, ये आपको मालूम है। देन द प्लेन गिविंग द सेक्शन विथ सेंटर अल्फा बीटा गामा इज टी इक्वल टू एस वन, सिंबॉलिक है, इसका अर्थ होता है अर्थात दैट इज ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस सी इंटू 2z जेड प्लस गामा इक्वल टू एस वन, माने ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस टू सी गामा इम्प्लाइज दैट ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस सी गामा। नंबर 3 माइनस सी गामा और यहाँ से एक माइनस सी गामा कैंसिल हो गया, तो ये भी प्लेन वही है जिससे इसको काटना है, ये भी प्लेन वही है जिससे इसको काटना है। सेंटर क्या हो, अल्फा बीटा गामा, कंपेयरिंग 2 and 3। कंपेयरिंग 2 and 3 वी है एक्स का कोफिशियंट अपॉन एक्स का कोफिशियंट इक्वल्स टू वाई का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट इक्वल्स टू जेड का कोफिशियंट अपॉन जेड का कोफिशियंट इक्वल टू प्योर कांस्टेंट अपॉन प्योर कांस्टेंट। ये रहा अल्फा बराबर क्या होगा, इसको इसको एक साथ लो, इसको इसको एक साथ लो, फिर इसको इसको एक साथ लो, यानी इसमें देखो अल्फा बीटा गामा नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है। अब इसको इसके साथ लेंगे अल्फा निकालेंगे, इसको इसके साथ लेंगे बीटा निकालेंगे, इसको इसके साथ लेंगे तो अल्फा बीटा पे प्रतिबंध कंडीशन निकलेगा कांस्टेंट। तो अल्फा बराबर माइनस
कैपिटल सी एल बाई ए एन माइनस सी एल बाई ए एन, बीटा इक्वल टू माइनस सी एम बाई बी एन एंड ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर माइनस सी गामा इक्वल्स टू माइनस सी पी बाई एन। सभी कोई नंबरिंग कर दे रहे हैं फोर। अब अल्फा और बीटा को इसमें रखेंगे तो गामा निकल आएगा। तो अब इस आगे की प्रोसेस को हेडिंग डाल दे रहा है सेंटर ऑफ द सेक्शन। पहले हम सेंटर ऑफ द सेक्शन माने अल्फा बीटा गामा निकाल लें, फिर लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालेंगे, फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेमी एक्सिस निकालेंगे। काम भारी है, इत्मीनान से पढ़िए, मेहनत से पढ़ के बढ़िया बढ़िया लिख के उसी नोट्स को लेकर के हम पढ़ा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया आप भी लिखिए, एकदम आपके समझ में आएगा। भारी भले हो जाएगा लेकिन समझ में आएगा। सेंटर ऑफ द सेक्शन सेंटर ऑफ द सेक्शन फ्रॉम फोर ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा स्क्वायर माइनस सी गामा इक्वल टू माइनस सी पी बाई एन। अल्फा की वैल्यू रखिए माइनस सी एल बाई ए एन माइनस सी एम बाई बी एन। ठीक, इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर, एक एक कैंसिल होगा, प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर माइनस सी गामा इक्वल्स टू माइनस सी पी बाई एन। इम्प्लाइज दैट सी गामा इक्वल्स टू, इसको निकाल लो, इसको उधर कर दिए, इसको इधर ले आइए, सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बाई बी और प्लस सी बाई एन इंटू पी इक्वल्स टू। सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बच गया एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन पी बाई सी। इसको हम एक नया कॉन्स्टेंट डाल दे रहे हैं जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये सब मिटाना ही पड़ेगा, सब नोट करते चलिए। हम नोट किए हुए हैं, विधिवत नोट किए हुए हैं क्योंकि हेवी कैलकुलेशन था, और बढ़िया से उसको ठीक ठाक करके इस तरीके से प्रस्तुत करना है कि आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आए। इम्प्लाइज दैट सी गामा इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू पी नॉट स्क्वायर वेयर P naught square equal to L square by A plus M square by B plus NP by capital C। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक सी कैंसिल हो गया, गामा आ गया, गामा इक्वल टू C, बड़ा है C, कैपिटल C है भाई, सी पी नॉट स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।
इस प्रकार से यहाँ 5 नंबर डालो, हमें अल्फा बीटा गामा सम प्राप्त हो गए 10। द सेंटर अल्फा बीटा गामा इज, 10 द सेंटर इज लिख रहे हैं, कादिस लिख रहे हैं, 10 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर। अल्फा कितना निकला था याद है, माइनस सी एल अपॉन ए एन, माइनस सी एल अपॉन ए एन, और बीटा था माइनस सी एम अपॉन बी एन, और गामा निकला सी पी नॉट स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। या दस द सेंटर इज ऐसे लिख दिया जाए, दस द सेंटर इज ये रहा कामा, और ऐसे कामा, और ये ज्यादा ठीक लग रहा है। माइनस सी एल अपॉन ए एन, माइनस सी एम अपॉन बी एन, सी पी नॉट स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। नाउ लेंथ एंड डी आर ऑफ एक्सिस ऑफ सेक्शन, इसके लिए हम क्या कर दें, ओरिजिन को इसी सेंटर पे शिफ्ट करेंगे, स्पेस बनाएं, पहले सारे इक्वेशंस लिख डालें हम एक जगह। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी जेड इक्वेशन नंबर वन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी इक्वेशन नंबर टू। थ्री से कोई लेना देना नहीं है, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू से मतलब हो सकता है पढ़े, तो अल्फा इक्वल टू माइनस सी एल अपॉन ए एन, बीटा इक्वल टू माइनस सी एम अपॉन बी एन, और गामा इक्वल टू सी पी नॉट स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। पी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन पी बाई सी, एन पी बाई कैपिटल सी, ये है नंबर 5 पढ़ा इसमें बस, है ना, इसको हम प्रिजर्व कर ले रहे हैं, इसे उतारिएगा मत, कट लगा दे रहा, और हेडिंग डालिए लेंथ एंड डी आर, लेंथ एंड डी आर ऑफ एक्सिस ऑफ सेक्शन। We shift the origin to the center. We shift the origin to the center. Alpha, beta, gamma. By putting, by substituting. X इक्वल टू कैपिटल X प्लस अल्फा, Y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस बीटा, Z इक्वल टू कैपिटल Z प्लस गामा। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के नए फॉर्म हो जाएंगे, पहले सब कुछ स्मॉल एक्स वाई जेड सिस्टम में था, अब कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम में जा रहा है। कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम में पॉइंट अल्फा बीटा गामा यानी सेंटर अल्फा बीटा गामा ओरिजिन की भूमिका में होगा। न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज, न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज कैपिटल ए इंटू एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस कैपिटल बी इंटू कैपिटल वाई प्लस बीटा होल स्क्वायर
इक्वल टू टू कैपिटल सी और जेड की जगह कैपिटल जेड प्लस गामा। देखो अब इसके बाद हम थोड़ा सा यहां पे स्टेप्स को हम स्किप कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, बीच का स्टेप हम लिख रहे हैं। अब एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर में लिखाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू सी बाई एन विद इन द ब्रैकेट एल कैपिटल एक्स प्लस एम कैपिटल वाई प्लस एन कैपिटल जेड, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रख देने पर, प्लस सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी माइनस टू पी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये आएगा। घबराइएगा मत, ये सब हमने करके देखा हुआ है, कुछ कठिन नहीं है, बस आप हिम्मत के साथ कर लीजिएगा। इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू सी बाई एन एल कैपिटल एक्स प्लस एम कैपिटल वाई प्लस एन कैपिटल जेड प्लस सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो इसकी वैल्यू यहां से एल स्क्वायर अपान ए प्लस एम स्क्वायर अपान बी है ना, ये इसकी वैल्यू यहां से P नॉट स्क्वायर माइनस P नॉट स्क्वायर माइनस एन पी बाई सी और माइनस टू पी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो बाई फाइव, इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू सी बाई एन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ये देखो ये टर्म निगेटिव है, ये दोनों मिलके भी निगेटिव आएंगे तो माइनस कॉमन ले लें, तो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा एन पी बाई सी प्लस पी नॉट स्क्वायर ये जो c है ना इसको भी बाहर कर लेते हैं तो ये फाइनल आ गया। इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू सी बाई एन इंटू एल कैपिटल एक्स प्लस एम कैपिटल वाई प्लस एन कैपिटल जेड और माइनस c बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन पी प्लस सी पी नॉट स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर वन का नया रूप है, न्यू फॉर्म इन कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम। इसे भी हम नोट कर ले रहे हैं यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू कैपिटल सी बाई एन ब्रैकेट में सिग्मा एल कैपिटल एक्स माइनस सी बाई एन स्क्वायर और ब्रैकेट में एन पी प्लस सी पी नॉट स्क्वायर, ये है वन ए। न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू इज पैराबोलॉइड को नए फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, अब जिससे काटना है उसका भी नया रूप, उस इक्वेशन का नया फॉर्म। सिमिलरली न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू इज एल इंटू एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस अल्फा प्लस एम इंटू कैपिटल वाई प्लस बीटा
प्लस एन इंटू कैपिटल जेड प्लस गामा इक्वल्स टू पी। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज इसमें रखोगे तो ये रूप आएगा। हाँ, थोड़ा सा हम स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं स्टेपिंग। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये हो गया वन टू ए। इसको टू का है तो टू ए कर लीजिए। सिग्मा एल कैपिटल एक्स इक्वल टू जीरो, ये है टू ए। अब प्लेन टू ए से कोनिकॉइड वन ए को काटना है। लिखते हैं दस द सेक्शन ऑफ वन ए बाई टू ए इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू सी बाई एन एल कैपिटल एक्स प्लस एम कैपिटल वाई प्लस एन कैपिटल जेड माइनस सी बाई एन स्क्वायर इंटू एन पी प्लस सी पी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो कामा एल कैपिटल एक्स प्लस एम कैपिटल वाई प्लस एन कैपिटल जेड इक्वल टू जीरो। उसको लिख दिए कामा करके, इसको लिख दिए, दोनों मिलकर के कॉमन पोर्शन यानी सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस हिस्से को यहाँ बढ़ा दें, इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन एन इंटू ज़ीरो माइनस सी अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन पी प्लस सी पी नॉट स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो लिखना है, भूल गए, इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। नंबर छः, इसे भी कहीं लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ये पैराबोलॉइड नहीं रह गया, पैराबोलॉइड की पहचान ये है कि कोई एक वेरिएबल एक डिग्री में हो, बकिया दोनों दो दो डिग्री में हो। इसमें दो वेरिएबल हैं, दोनों दो दो डिग्री में, तो ये जो है कोनिकॉइड हो गया। इस पूरे कॉन्स्टेंट से भाग देते हैं तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन जैसा हो जाएगा। खैर, तो ये हो गया नंबर छः। के स्क्वायर किसकी जगह लिखें ये भी बताते चलिए। वेयर के स्क्वायर हमने किसकी जगह लिखा है, देखो ये माइनस टर्म उधर गया है ना, तो सी इंटू C इंटू ब्रैकेट में एन पी प्लस सी पी नॉट स्क्वायर, यही के स्क्वायर आपने लिखा है, बराबर C इंटू एन पी प्लस सी पी नॉट स्क्वायर। पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू में C से मल्टीप्लाई करना है। पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, ये लिखा है, ये लिखा है पी नॉट स्क्वायर की वैल्यू में सी से मल्टीप्लाई करके लिखना। सी पी नॉट स्क्वायर क्या आएगा, सी एल स्क्वायर बाई एल, सी एल स्क्वायर बाई ए प्लस सी एम स्क्वायर बाई बी और प्लस एन पी।
प्लस एनपी, ये रहा, इक्वल्स टू सी ब्रैकेट में सी एल स्क्वायर बाई ए प्लस सी एम स्क्वायर बाई बी प्लस टू एन पी नंबर सेवन। ये भी हमको चाहिए, याद कहीं नोट करके रखा जाए, के स्क्वायर इक्वल टू सी ब्रैकेट में सी एल स्क्वायर बाई ए प्लस सी एम स्क्वायर बाई बी प्लस टू एन पी नंबर सेवन। तो ध्यान रहे, अब ये कॉनिक कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम में ये कॉनिकॉइड हो गया, और जिस प्लेन से इसको काटना है वो प्लेन सेंट्रल प्लेन है, उसके सेंटर से होकर जाने वाला प्लेन है। तो जो पहला आर्टिकल था वहाँ के कॉन्सेप्ट सब यहाँ पे आ जाएंगे। लेट लैम्डा म्यू न्यू, लैम्डा म्यू न्यू बी द डिसीज ऑफ अ सेमी एक्सिस, बी द डिसीज ऑफ अ सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ आर, देन इट्स इक्वेशन इज, सेमी एक्सिस का सेक्शन का सेमी एक्सिस है, देन इट्स इक्वेशन इज एक्स अपॉन लेमडा इक्वल्स टू वाई अपॉन म्यू इक्वल्स टू जेड अपॉन न्यू इक्वल्स टू आर। नंबर आठ, ऑब्वियसली द पॉइंट लेमडा आर म्यू आर न्यू आर, ये पॉइंट इस लाइन पर जो फिक्स्ड पॉइंट है 0 0 0, वहां से आर डिस्टेंस पर स्थित है। तो सेमी एक्सिस की लेंथ आपने आर लिया है, तो ये पॉइंट कहाँ स्थित होगा, कॉनिकॉइड पर, लाइज ऑन द कॉनिकॉइड, लाइज ऑन द कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इट फॉलोज दैट उठा के रखिए इस पर, ए इंटू लेमडा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी इंटू म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और इसको हम लिख दें इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू वन, और वन को हम लिख दे रहे हैं लेमडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर, और फिर इसे अरेंज करिएगा तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, इम्प्लाइज दैट लेमडा स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट ए आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट बी आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर न्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नंबर नाइन, एट और नाइन के बीच में हम लेमडा म्यू न्यू को एलिमिनेट कर दें तो इसका लोकस मिल जाएगा, इसका लोकस मिल जाएगा माने सेमी एक्सिस का लोकस मिल जाएगा। एलिमिनेटिंग लेमडा म्यू न्यू बिटवीन 8 and 9, तो देखो लेमडा की जगह क्या रखोगे, x अपॉन r, तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहाँ आएगा y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ आएगा z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो जो अपॉन r स्क्वायर है बैलेंस हो जाएगा, कुल मिला के आएगा वी हैव ए
आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर एन स्क्वायर। बी में भी ये नहीं था भैया? हाँ जी, नो कन्फ्यूजन। बी आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। गलती हो गई, कई जगह गलती हो गई। स्मॉल एक्स वाई जेड अब कहीं रही नहीं है, अब सारा मैटर कन्वर्ट हो गया कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम में। तो एक गलती यहाँ भी हुई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ये और तो कहीं नहीं कर दिया झटके में ना। ये आ गया नंबर 10। इट इज लोकस ऑफ सेमी एक्सिस, इट इज लोकस ऑफ सेमी एक्सिस देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर और हो गया है। लैम्डा स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर होगा ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर। तो ये कैपिटल एक्स वाई जेड में दो डिग्री का होमोजीनस इक्वेशन है। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, कैपिटल एक्स वाई जेड वाला ओरिजिन माने सेंटर अल्फा बीटा गामा वर्टेक्स होगा। इट रिप्रेजेंट्स अ कोन विथ वर्टेक्स एट, इट रिप्रेजेंट्स अ कोन विथ वर्टेक्स एट कैपिटल एक्स जीरो कैपिटल वाई जीरो कैपिटल जेड जीरो, कैपिटल एक्स वाई जेड सिस्टम का ओरिजिन ही वर्टेक्स होगा। वही इस प्लेलिस्ट के शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट था अब वही चल के बोल रहा है। We know that the plane giving the section माने जिस प्लेन से आप काट रहे हो कोनिकॉइड को, the plane giving the section always touches a cone, always touches a cone। आलू आलू के माध्यम से समझाए थे सबको वीडियो नंबर 2 में शायद। तो ये जो प्लेन है 2A, ये भी तो सेक्शन देने वाला प्लेन है, तो ये भी तो किसी न किसी कोण को छुएगा। मान लो इसको छुएगा आर के किसी वैल्यू के लिए, तो ये सब बताओ। चलो तो इफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू जीरो टचेस 10 देन बाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देन बाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एल स्क्वायर अपान, देखो आपको ये सब बताया जा चुका है, यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू जीरो प्लेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, कौन को छुएगा तो क्या होगा, यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी बराबर जीरो होगा। तो वही हम लिख रहे हैं एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो 11। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसको बॉक्स में बंद करना। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप तो
आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगा, आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनेगा, ठीक। तो उससे आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस देंगी। इट इज क्वाड्रेटिक इन आर, अभी तो फिलहाल ही लिख के फुर्सत कर दे रहे हैं। इट इज क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर कॉमा गिविंग टू वैल्यूज ऑफ आर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दो से आर वन स्क्वायर एंड आर टू स्क्वायर। Thus we get lengths R1 and R2 of semi-axis. ऐसा। इसके बाद एक स्टार बड़ा सा लगाइए, डायरेक्शन रेशियोज निकालना जा रहा है semi-axis। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू कोण 10, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू कोण 10 एट दिस पॉइंट लेमडा आर म्यू आर न्यू आर, इज ए आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू लेमडा आर कैपिटल एक्स प्लस बी आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू म्यू आर कैपिटल वाई माइनस के स्क्वायर न्यू आर कैपिटल जेड इक्वल टू जीरो, आर थ्रू आउट सबलिमिट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट कौन सा आर, जो बाहर वाला ब्रैकेट के बाहर, ए आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू लेमडा कैपिटल एक्स प्लस बी आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू म्यू कैपिटल वाई माइनस के स्क्वायर न्यू कैपिटल जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 12। इसमें के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कहीं लिखे कि नहीं, हम लोग ये लिखे, वी नो दैट द प्लेन, हाँ फिर वही टचेस की बात कर रहे हैं, वी नो दैट द प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू जीरो, यह सेंट्रल प्लेन है, कोनिकॉइड के सेंटर से होकर जाने वाला प्लेन है और सेक्शन देने वाला प्लेन है, यह हमेशा किसी कोण को टच करेगा, हमेशा कोण को टच करेगा, तो कोण 10 को भी टच करेगा, कोण 10 का टेंजेंट प्लेन हुआ, कोण 10 का ये भी टेंजेंट प्लेन है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, touches the cone 10, touches the cone 10 for some value of r, thus comma if lx plus my प्लस एन जेड इक्वल्स टू जीरो टचेस 10, देन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू जीरो एंड 12 इक्वेशन 12 मस्ट बी आइडेंटिकल। इट फॉलोज दैट दो इक्वेशंस अगर आइडेंटिकल हैं तो
कोफिशंट्स के रेशियोज बराबर होते हैं. इट फॉलोज दैट ए आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई लेमडा कैपिटल एक्स का कोफिशियंट हो गया अपॉन एल इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन एम. अगर आप इस नोट्स को कायदे से लिख लें और दो तीन बार इसको पढ़ लें आप सब चीज़ समझ में आएगा एकदम. कहते हैं ना रेसा रेसा क्लियर. और ये सब आर्टिकल्स बड़े हैवी आर्टिकल्स हैं ये सब, ना तो रेगुलर क्लासेस में ना तो कोचिंग क्लासेस में ना तो ट्यूशन क्लासेस में इतने विस्तार से कहीं कोई पढ़ाता वढ़ाता नहीं. हमने कहा नहीं ये वीडियो इसको हम खूब डिटेल में पढ़ा दे रहे ताकि ये तो रहे कि कहीं तो मैटर ऐसा है जो एकदम समझ में आता है. और इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर न्यू बाई एन कामा विच गिव्स द डिसीज लेमडा म्यू न्यू ऑफ एक्सिस ऑफ सेक्शन. तो लेंथ एंड डी आर्स ऑफ द सेक्शन इस तरीके से मिलेगा. देखो कायदे से हम डी सीज लिख दिए हैं लेकिन डी आर्स ही देगा ये विच गिव्स द डी आर्स तब ये मत लिखो ऑफ एक्सिस ऑफ सेक्शन. देखो हम लोग बीच में माने थे लेमडा म्यूनियो को सेक्शन के एक्सिस का डीसीज. तो इससे आएगा क्या लेमडा अपान कुछ इक्वल टू म्यू अपान कुछ इक्वल टू न्यू अपान कुछ. तो तीनों जो कुछ 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 हैं वो क्या होंगे डी आर्स होंगे. क्लियर हुआ. वीडियो लाइक करें. चैनल यदि आपने ना सब्सक्राइब किया हो अभी तक तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें. थैंक यू वेरी मच. बातचीत अभी जारी रहेगी ना अगले वीडियो में भी बात करें.